बिहार शिक्षा विभाग आगे कैसे अंधेरा दूर करेगा, आइए बात करते हैं। सर, शिक्षा विभाग के लिए कई चुनौती है, दीपावली का दिन है, क्या उम्मीद करें आगे बिहार कैसे? देखिए, चुनौतियां स्वीकार करना अदम्य योद्धाओं का कर्तव्य होता है, पुनीत कर्तव्य है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू बिहार विकास के विश्वकर्मा, शिक्षा के क्षेत्र में कई अभिनव प्रयोग किए। कुछ ऐसे प्रयोग हुआ, पोशाक राशि योजना, साइकिल राशि योजना, प्रोत्साहन राशि योजना, देश में नजीर बना। कुछ कमियां हैं जिसे दूर करने के प्रयास में हम लोग हैं। उम्मीद है 6-5 महीने के अंदर आप लोग नई व्यवस्था देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। कुछ पेमेंट को लेकर शिक्षकों को अब तक कुछ परेशानी है, बरकरार है, पेमेंट क्लियर नहीं हो पा रहा है, कई महीनों रुक जाता है पेमेंट। 94,40,00,000 रुपया आज से 1.5 महीना पहले विमुक्त हुआ शिक्षकों के लिए, खास करके माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों के लिए, जिसमें से 2 महीने की राशि उन लोगों को मिल चुकी है। 1 महीने की राशि भी मिलने ही वाली है, 1-2 दिन के अंदर मिलेगी। तो भाई, शासन है, व्यवस्था है, कुछ कमजोरी है, उसको दूर करेगी। राजनीति कहें या जरूरत कहें, पूरा शिक्षा विभाग एक रोजगार सृजन का बड़ा पाया। आगे दिन में क्या देखेंगे, बिहार के जो अभ्यर्थी अब इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों का इंतजार कब खत्म होगा, कब तक समय सीमा, कब तक? मैंने ये कहा आपको पहले भी, हर समय कहते रहो इसी बात को, इस लोकप्रिय महागठबंधन सरकार का काम बोलेगा। इस मामले में बहुत कुछ बोल चुके हैं हम, बोल चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, बोल चुके हैं हमारे बेरोजगारों के लिए हर समय चिंतित तेजस्वी और इस बात को बोल चुके हैं, मैं भी बोल चुका हूं। मैं इतना ही कहूंगा कि लाखों बहालियां हैं और शिक्षा के क्षेत्र में शायद लगभग 1/4 बहाली होगी। तो आप समझिए कि लगभग 20-25% जहां शिक्षा क्षेत्र ही देने वाली है बहालियां, तो लाखों बहालियां जहां होनी है, तो वहां महीनों लग सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।